सृष्टि जी जी गुड मॉर्निंग, क्या है सृष्टि इसमें मिठाई भाजी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। आदरणीय बड़े भैया को नमस्कार। नमस्कार, क्या कर रहे हो भैया? बढ़िया, गाड़ी सजा रहे हो? साफ कर रहे हैं गाड़ी। चमका दिया आपने गाड़ी? चमकी है। चलो तो एक लॉन्ग ड्राइव से आते हैं फिर, सनरूफ वगैरह खोल के पूरा सामान जमाते हैं। इस पे बाइक को रख लेते हैं, खड़ली छोड़ाओ हमें। हाँ, ऊपर बाइक को रख लेंगे इस पे। सृष्टि 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 भैया चाय पी लो। हाँ बुआ जी, अभी टाइम है चाय का। सृष्टि चाय पीना है और एक हजार पुष्पदीप चाचा। आप भी लो। नीरज भैया टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं न्यू बाइक की। भैया के ऊपर जम तो रही है बाइक। हाँ गौरव भैया कैसे हो आप? आईफोन लेके आ गए तुम्हारे सामने? तो गाड़ी आ गई है, पार्टी होगी, देना बात करता हूँ। आईफोन का देखो प्रो मैक्स है। चलो तो पार्टी करवाओ तुम छोटे भाइयों को। भाई आप करवाओगे, हम क्यों करवाएं? बड़े भैया छोटे भाइयों को पार्टी करवाते हैं। स्टीप कर रही। आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ एक होम वर्कआउट सेटअप जो कि हमारे भैया ने कर रखा है। छत देख रहे हो कितना बड़ा छत है ये। और ये 22 जनवरी वाली दिवाली रनिंग कर सकते हैं आराम से। वेट देख सकते हो कितना है वो। भाई ये क्या है, एक एक चीज आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं इस पे आप क्या क्या कर सकते हो। ये फुल वेट, लेकिन इनमें एक जुगाड़ और करनी थी ना कि एक ही वेट से ये सारा काम हो जाता, लेकिन इस पे तीन चार लोग एक साथ कर सकते हैं। ये इस टाइप का सेटअप है। ये चेस्ट के लिए, इसमें भी वेट कम या ज्यादा कर सकते हो आप। और यहाँ पे फोर्थ एक्सरसाइज, ये क्या करने का है? इसमें दो बार पुष्पदीप को लग चुकी है, इसने डायरेक्ट ये वेट वाली जो पिन होती है इसको बाहर निकाला, ये डायरेक्ट नीचे आया और इसके सिर में लग गया है। दो बार हो चुका है। भाई बहुत वेट है। इतनी एक्सरसाइज इस पे कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। और बहुत अच्छी मशीन लगी है मुझे, काफी शानदार है। देखो कितना कम स्पेस इसने ले रखा है और इस पे चार लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक कोई उधर कर रहा है तो इधर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर चार लोग मिलकर भी इसको खरीद रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा उन्हें। देखो कितना अच्छा सेटअप है ये। अगर एक होम वर्कआउट सेटअप आप चाहते हो तो ये मशीन बेस्ट रहेगी आपके लिए। सृष्टि बाय बाय। सृष्टि बाय बाय। बुआ जी बाय। अब हम चल रहे हैं कहीं और घूमने के लिए ही चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं वो देखने के लिए एंड तक बने रहना है। बाय बाय। ये नहर है या फिर नदी है देखकर कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ की सबसे बड़ी नहर है। इसका कुछ नाम भी होगा। इसको देखने के बाद हम रुक नहीं पाए, हमें नीचे उतरना ही पड़ा गाड़ी से, नहीं तो हम डायरेक्ट जा रहे थे। अब यहाँ पे रुके ही हैं तो एक तो फोटो और निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा है भाई, सच में बहुत अच्छा नज़ारा है। देखो कितना
शानदार है। पानी इतनी स्पीड से जा रहा है कोई नहीं बोल पाएगा कि ये नहर है। एक बस आ रही है तो इसको हटाना पड़ेगा बाइक को। हमें जनता को परेशान नहीं कर सकते ना, फोटो वगैरह लेना है तो साइड से लेना पड़ेगा। अरे साइड का व्यू भी मैं दिखाई देता हूँ, अब यहाँ आ गए तो हाँ नहर पे है और ये नहर पे किसानों के पास कितना पानी जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सफर पे। इस पे से केवल एक ही बड़ा वाहन क्रॉस हो सकता है, दो चीजें तो जा ही नहीं सकती। रेलवे का जो गेट है वो अभी बंद है। अभी हम पहुंचे हैं महादेव के दर्शन के लिए। यहाँ से महादेव की हल्की सी झलक देख सकते हो आप। यहाँ तक मुझे पता है अपने एरिया की सबसे बड़ी मंडी है ये। बहुत खतरनाक स्पीड से यहाँ पे जो नीलामी चल रही है, सारी ट्राली बिक चुकी है, ये लाइन ही खत्म होने वाली है। ये चल रही है गेहूं की तुलाई। ये जो आप लाइंस देख रहे हो ऐसे कितनी लाइन लगी हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ भी मतलब जैसे खेल खिलौना होता है ना वो वाला काम है ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ। यहाँ से कुछ ट्रैक्टर और ट्रॉली हट गए क्योंकि वो बिक चुके थे। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। बता दे खेती होती है और यहीं से रेत जो होती है नर्मदा जी में जाती है। इसको छत डलवाना है, घर बनवाना है, रेत लेने के लिए यहाँ आ जाए। मध्य प्रदेश में रेगिस्तान के मध्य ये पे आका बनाला वाली रेगिस्तान आ गए हम। सच में वही वाला फील है कि आप रेगिस्तान में घूमना। खेती भी चल रही है। रेडी वापस आ चुके हैं हम बहुत सी जगहों से दूर कर। भाई थोड़ा कुछ सामान खेतों के लिए चाहिए था वो खरीद लेते हैं यहाँ से। घर की तराई के लिए हमें पाइप्स भी चाहिए तो एक अच्छा वाला पाइप देख लेते हैं यहाँ पे। सारे काम निपटाकर अब हम चल रहे हैं घर पर। फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। हम इतना घूम के आए कि हम गाड़ी पे बैठ बैठ कर थक गए। मतलब हम ये तक बोल रहे थे गाड़ी बहुत अनकंफर्टेबल सी फील हो रही है क्योंकि भाई बैठे बैठे थक गए थे हम। कम से कम हाँ 300 से ऊपर तक की रनिंग हो चुकी है और पूरी डस्ट धूल मिट्टी सब चेहरे पे कपड़ों पे। थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं फिर खाना खा लेते हैं। तो अब अपने फ़ोन को चार्ज लगाने जा रहा हूँ। हमने जस्ट अभी चेंज किया और सुबह से खाना नहीं खाया है। कितने बज रहे हैं अभी? लगभग 5:30। और ये कवर आपको न्यू लग रहा होगा तो मैं बता दूं कि ये कवर हमारा नहीं है, ये कवर है आनंद भाई का जिनसे आप मिल चुके हो जब हमने एक बार उन्हें बस स्टैंड पे ड्रॉप किया था। अभी पुसदीपुर में हम दोनों जा रहे हैं खेत में। बदल हो रही है। अपने डान को कर लिया है लोड। अभी इस पे पंखा और ये तराजू ये दोनों को रख लेते हैं और चलते हैं सीधे घर। तो हम आ चुके हैं घर और ये सामान मैंने उधर रख दिया। अभी एक गट्ठे को भी उधर निकाल देते हैं। गया। अब्बर भी आ चुका है खेत में से दादी जी को लेकर।
अभी पापा जी और मैं हम जा रहे हैं बाजार, और अभी कार को भी अंदर करना है।